नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है वो जब चुन कर आए तो अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम करे, लेकिन कन्हान नगर परिषद में हमें देखने को ये मिलता है कि कन्हान में अक्सर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जनप्रतिनिधि है वो जनता की छोड़, क्षेत्र की छोड़, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिस लोग सोचते हैं कि गरीब सामान्य व्यक्ति को बड़े पदों पर बिठाएंगे तो गरीबों की समस्या को समझ पाएगा, लेकिन कन्हान में ऐसा नहीं हुआ। जिनको बड़े पदों पर बिठाया उन्हें सिर्फ अपना समझा, रोड नाली अतिक्रमण और अपना नए घरों का विस्तार या नई चीज़ें करना, अपने परिवार के बारे में सोचना, बस इसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कुछ लोग। खैर, आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रीन जिम, जो कि वैशिष्ट्य पूर्ण एक निधि है और इसमें भी एक बड़ा घोटाला है जो हम बाद में आपको विश्लेषण इसका भी देंगे, लेकिन इस निधि तहत ग्रीन जिम जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन आने के पहले डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से अक्सर शुरू हो जाया करती हैं। लेकिन जहाँ पे प्रस्ताव पास हुआ था कन्हान के एक रायनगर के लिए, जिस जगह के लिए प्रस्ताव पास हुआ था वहाँ पे आसपास लोग रहते हैं, गरीब सामान्य लोग रहते हैं और उनके सुख सुविधा के लिए उचित था कि वहीं पे लगाया जाए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नगराध्यक्ष और कुछ नगर सेवकों की वजह से उस जगह को चेंज करने की मांग की जा रही है और उसको चेंज करके दूसरी जगह करने की मांग की जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जो दूसरी जगह है वो सुनसान है, आजू बाजू कुछ लोग नहीं रहते हैं और वहाँ पे अक्सर जो आवारा किस्म के लड़के होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं और धूम्रपान वगैरह फिर ड्रिंक वगैरह करते हैं। ना वहाँ लाइट की अच्छी सुविधा है और चारों तरफ जंगल है। नहीं, वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, बच्चे बूढ़े जो भी है, तो उनका यह कहना है कि वहाँ पे नहीं, मुझे वो जगह पसंद नहीं है। यानी क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? यानी कि वो पीछे साइड गिरता है इसलिए, यानी वो गरीब रहते हैं इसलिए। तुमको कौन सी दिक्कत जा रही है? गरीब लोगों से दिक्कत जा रही है, बड़े लोगों से दिक्कत नहीं जा रही क्या? ये बहुत छोटा सा और सिंपल विषय है जिस पे न्यूज बनने की नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधियों के अपने ईगो ने इतना कर दिया कि सामान लेकर आए ग्रीन जिम लगाने के लिए रायनगर का, रायनगर में, लेकिन उनकी हट थी कि ये सुरेश नगर में लगनी चाहिए और सुरेश नगर में ना लगा करके उससे भी वो सामान वापस लेकर चले गए जो ग्रीन जिम का सामान था। इस पे वहाँ के जो पार्षद है मनीष भीवगढ़े, उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि जो रायनगर का है रायनगर में लगा दीजिए, सुरेश नगर के लिए हम दूसरा लेकर आएंगे, लेकिन जहां ऑलरेडी जो चीज़ें पास हो चुकी है, सेंक्शन हो गई, उसको लगा दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी कुछ अहंकारी जनप्रतिनिधि इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं। जिस प्रभाग की ये बात चल रही है उस वार्ड का मैं नगर सेवक हूँ और जब ग्रीन जिम को एरिया वाइज जो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई थी तब हमने उसमें नाम दिया था अशोक नगर, धर्मनगर और रायनगर। तो धर्मनगर की जिम लग चुकी है, अशोक नगर की लग चुकी है, बट जब रायनगर की जिम की बारी आई तो रायनगर की जिम को ये बोलकर टाला गया कि रायनगर की जिम पब्लिक के बीच में नहीं लगते हुए कोई ऐसे जगह लगना चाहती है जहाँ पे लोगों का सहवास ही नहीं है, जहाँ लोग देख रेख ही नहीं है। यानी तो सुरेश नगर की बात करें तो सुरेश नगर भी मेरा प्रभाग है। मेरा कहना है कि आने वाले समय में हम सुरेश नगर में भी लगाएंगे, पर ऐसे जगह लगाएंगे जहाँ पे लोगों का आवागमन शुरू रहे। अब जब जहाँ सुरेश नगर में ये ग्रीन जिम लगने की बात चल रही है वहाँ पे पूरा जंगल एरिया है और लोगों का देख रेख नहीं है, अंधेरा है तो सामान चोरी जा सकता है, और जहाँ इतने सारे लोग रायनगर के जहाँ पे ग्रीन जिम अलॉट हुए वो मांग रहे हैं अध्यक्ष महोदय से, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों इन लोगों के खिलाफ जाकर ये कहना चाहती है। सामान दो दिन वहाँ रायनगर में सामान रुका पड़ा था और ये लोग बोल रहे थे, इन्होंने निवेदन भी दिया हुआ है नगर परिषद में कि भाई हमारे परिसर में ग्रीन जिम लगाया जाए। देखिए, नगराध्यक्ष को मेरी उस विषय में कोई बात नहीं हुई, लेकिन सन्माननीय जितने भी नागरिक है उनकी उनसे बात हुई, उन्होंने फ़ोन से पर्सनली उनसे वार्तालाप किया, साथ ही साथ नगराध्यक्ष को जो नगर परिषद में आवक जावक में एक पत्र भी दिया कि जिससे भाई लोगों का कहना एटलीस्ट उन तक पहुँचे करके, पर नगराध्यक्ष है कि उनके सिर से जू भी नहीं रेंग रही है। नगर सेवक बोलते थे सर्वसन्मान्य नागरिक आले, त्यांच्या मागणीनुसार शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रीन जिम बसवण्याची पुढील कारवाई माननीय अध्यक्षाकडे सादर करण्याची रायनगरमध्ये लावण्याची जे शासन निर्णय तरतूद होती त्याप्रमाणे पुढची कार्यवाही करण्याबाबत माननीय अध्यक्षांना कळवण्यात येईल व सभेपुढे सादर करण्यात येईल।
मीटिंग पुढे साधारण 10 ते 15 दिवस लागू शकतो बस. दोस्तों, कन्हान के कुछ बड़े जनप्रतिनिधियों का अहंकार इतना बढ़ते जा रहा है कि वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि आप बोल सकते हैं कि दिया बुझने के पहले एक बार जोर से जरूर फड़फड़ाता है और आने वाले 1-2 साल के बाद ये समय ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद वो जहाँ थे उससे आगे बढ़ने की उम्मीद लोगों में कम बताई जाती है. या आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते वो समय की बात है. आप हमारे साथ बने रहें निष्पक्ष, हम आप तक खबरें लेकर आते रहेंगे. देखते रहे हमारे साथ आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBC News पे, सच दिखाए बिना छुपाए. जय हिंद.